जीत के साथ रेखा रानी अपने घर में और उनका जोरदार स्वागत उनके परिवार के लोग देखिए, उनकी उनकी आरती यहाँ पे हो रही है, ये देखिए। उनकी आरती हो रही है, उनको फूल माला पहनाई जा रही है, उनको लड्डू खिलाए जा रहे हैं, मीठा खिला के उनका स्वागत किया जा रहा है और उतने ही जोश में इनका पूरा परिवार पूरी फैमिली इनके साथ ये देखिए। पूरा परिवार खुश है क्योंकि बहुत लंबे समय से मेहनत चल रही थी और ये देखिए फूल मालाओं से स्वागत, लोगों में उत्साह भी देखिए आप पीछे तक, भव्य स्वागत और वीरेंद्र प्रधान जी का भी यहाँ भव्य स्वागत, फूल माला उनको पहना के, उनको टीका लगा के, मीठा खिला के परिवार के लोगों में एक अलग सी खुशी, एक अलग सा उत्साह, एक अलग सा माहौल है ये देखिए। इमोशनल हो गई है रेखा रानी जी क्योंकि जीत इनको जिस तरीके से मिली है ये अपने आप में बताता है कि कितनी मेहनत की है इन्होंने और किस तरीके से उनका यहाँ पे जीत हुई है। और क्यों ना हो इमोशनल, क्यों ना भावों को आगे इस तरीके की जीत, इतनी कड़ी फाइन लेना और इतने बड़े बड़े धुंधल सामने होना, उसके बाद इस तरीके की जीत उनकी होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। ये खुशी के आंसू है जो उनके इस समय लोगों के सामने निकले, अपने परिवार के बीच में निकले क्योंकि सभी खुश हैं इस चीज से। गोंडा विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी जीत आपके नाम दर्ज हुई है, 3200 से ज्यादा रिकॉर्ड मतों से आप जीते हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जन सैलाब हमारे साथ है, पूरे क्षेत्र का समर्थन, पूरे क्षेत्र का प्यार हमारे साथ है, यही वोटों में तब्दील हुआ है और ये जो जीत है मैं कहूंगी ये हमारी नहीं है, पूरे क्षेत्रवासियों की जीत है। निगम पार्षद सिर्फ मैं नहीं, हम सभी बने हैं, बहुत मेहनत रही है हमारे भाई प्रेमपाल ठाकुर जी की, पूरे पदाधिकारियों की, सभी जितने भी हमारे संगठन है, टीम है, सबका नेतृत्व जो बहुत कुशलता से किया भाई ने, तो सभी की मेहनत रंग लाई है। अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने इतना भरपूर समर्थन आपको दिया?
देखिए सभी क्षेत्रवासियों से मैं यही कहूंगी कि ये अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखिएगा और निगम पार्षद हम सभी बने हैं, जीत सभी की है, सभी के कार्य उसी तरीके से होंगे, विकास कार्य पूरी दुगनी रफ्तार से होंगे क्योंकि केजरीवाल जी का आशीर्वाद भी है, केजरीवाल जी की सरकार एमसीडी में भी आई है, तो काम में कहीं कमी नहीं होगी, कोई शिकायत नहीं होगी और काम बहुत बेहतरीन होंगे। दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाएंगे, भजनपुरा को चमकाएंगे।